वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हमने फ़ोर टॉपिंग्स वाला पिज़्ज़ा भी बनाया था जो कि अभी वीडियो में आगे आएगा आ, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग तैयार हो गए थे तो ये रमीन रेडी हुई हुई है और बाकी अब ये मैं हूँ तो हमने जाना था बर्थडे पर पर उन्होंने पहले तो कहा कि पार्टी है तो ये पहले तो उन्होंने कहा था कि पार्टी है हालांकि मम्मा ने कंफर्म भी किया हमने भी मैसेज करके पूछा तो उन्होंने कहा नहीं पार्टी है और अगले दिन हमें जाने से कुछ देर पहले पता चला कि वो नेबर्स में हमारी फ्रेंड जिन्हें जाना था वो कही थी कि तुम लोगों के बर्थडे पर नहीं आना और फिर हमें पता चला ओ ये तो बर्थडे है तो फिर मम्मा ने कहा अब हम वो दे देते दे दे हैं इन्वेलप दे देते दे दे हैं वैसों का पर फिर मैंने कहा नहीं हमारे पास ये शर्ट पीस पड़ा हुआ तो इस सारी कहानी में हम उनके घर पहुंच गए हैं तो स्पीकर पर गाने लगाकर पासिंग द फिलो खेल रहे थे और एंड डेयर इस तरह की रैंडम गेम्स और उन्होंने केक नहीं काटा था इसी वजह से वो कह रहे थे कि सिर्फ पार्टी है आ, पर थी तो बर्थडे ही और उन्होंने इस वजह से ये किया कि लोग जो है ना गिफ्ट वगैरह लाने का तकल्लुफ़ ना करें पर हमने तो अपनी तरफ से ले कर चले ही गए थे फिर पर उन्होंने सेटअप बहुत अच्छा किया हुआ था बलूनस वगैरह लगाए हुए थे और खाना भी बहुत सारी चीज़ें जो थी मज़े की थी अच्छा तो यहाँ पर आप बनाने लगे हैं पिज्ज़ा तो सबसे पहले डो तैयार कर रहे हैं इसके लिए हमने दो कप मैदा लिया है इसमें जाएगा सूखा दूध टू टेबल स्पून फिर वन टी स्पून है यीस्ट और उसके बाद है वन टी स्पून शुगर उसके बाद टू टेबल स्पून इसमें घी डाला है मेल्टेड और अब इसे बस गूंद लेंगे नीम गर्म दूध से तो यहाँ पर हमारी दो तो रेडी हो चुकी है और इसे कवर करके रख देंगे और इसे दो घंटे के लिए हम राइज होने देंगे तो आज मम्मा पिज्जा बनाने लगी है और फोर टॉपिंग हाँ एक ही पिज्जे का जो है ना मम्मा ने उसके चार टॉपिंग्स बनानी है तो इसकी जो चिकन है ना उसकी लेदर लेदर कट हुई हुई है तो सबसे पहले ये जो है ना ये चिकन फजीता। चिकन फजीता के लिए है और ये और इसकी जो चिकन है ना ऐसे जूलियन काट में हाँ और ये, ये म, मलाई बोटी है हाँ, इसकी ऐसे जैसे जितनी चुराई इतनी लंबाई और ये एक है चिकन टिक्का ये दोनों एक जैसी कटके हैं आ, ये दोनों ये जैसी चिकन टिक्का और ये मलाई टिक्का हाँ। तो ये चार किस्म के बनेंगे आज तो सबसे पहले मलाई बोटी की टॉपिंग तैयार कर रहे हैं और चिकन इसमें हमने थोड़ा सा ही लेना है क्योंकि अब एक पीछे के चार ऐसे हैं तो ये हाफ कप के करीब होगा और इसमें सबसे पहले गया है सिरका वन टेबल स्पून फिर टू टेबल स्पून है दही फिर इसमें जिंजर गार्ली का पाउडर डाल रहे हैं वन टी ना हो तो पेस्ट भी डाल सकते हैं सकते हैं फिर वो ब्लैक पेपर पाउडर गया है वन टी स्पून जीरा पाउडर वन टी स्पून हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स नमक हसबेजाय का टू टेबल स्पून है आ, क्रीम तो यहाँ पर अब ये तो हमारा तैयार हो गया है इसे अब रख देंगे एक साइड पर अब दूसरी टॉपिंग की तरफ आ जाते हैं अब यहाँ पर बना रहे हैं फिर टॉपिंग तो इसमें अब हम अपने स्पाइसेस डाल रहे हैं सबसे पहले तो नमक गया है उसके बाद है पेपर का पाउडर और रेड चिली पाउडर है ज़ीरा पाउडर है और ये गया जिंजर पाउडर जो इसकी जगह आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन सब की क्वांटिटी जो है वो हाफ़ टी स्पून है तो ये तो रेडी हो गया है इसके बाद अब चिकन टिक्का रेडी कर लेते हैं तो चिकन यहाँ पर हमने हाफ़ कप के करीब ही लिया है उसके बाद रेड चिली पाउडर डाला है वन टी स्पून और यह है धनिया पाउडर वन टी स्पून हाफ टी स्पून है रेड चिली फ्लेक्स और ये आ गया वन टी स्पून जिंजर गार्लिक पाउडर और फिर है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और नमक हँसपे ऐकका एज ऑलवेज उसके बाद दही है टू टेबल स्पून अच्छा तो अब इसे भी मैरिनेट होने के लिए रख देंगे अब लास्ट वाले की तरफ आ जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा सिंपल है जो रेगुलर पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स होती हैं बस वही है वही वाले मसाले जाएंगे तो पहले तो पैन में ऑयल डाल दिया फिर इसमें चला जाएगा हमारा चिकन तो ये चिकन थोड़ा सा वाइट हुआ है फिर इसमें हमने सिरका डाल दिया वन टी स्पून आ, उसके बाद इसमें जाएगा नमक और फिर है जिंजर गार्लिक पाउडर वन टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल दिया था वन टी स्पून और थोड़ी सी रेड चिलीज चली गई हैं और बस इसमें इतनी चीजें जाएंगी अच्छा अब ये तो हो गया है और बाकी जो हमने मैरिनेट करके रखी थी अब उन्हें भी फ्राई कर लेते हैं तो ये उसी ऑर्डर में फ्राई हो रही हैं जिस ऑर्डर में हमने इन्हें मैरिनेट किया था तो सबसे पहले अब यहाँ पर मनाई बोटी बन रही है और बाकी इस पिज़्ज़े में जो है ना समझो आप चार पिज़्ज़ों की मेहनत कर रहे हो पर यह है कि सबके अपने अपने जो फेवरेट फ्लेवर्स हैं वो एक ही उसमें आ जाएंगे तो मतलब अलीहद अलहदा पिज़्ज़े बनाने से अच्छा है और दूसरा ये भी है कि हमारे घर में बहुत पिकी लोग हैं मतलब बहुत ज़्यादा पिकी ईटर्स हैं हम लोग तो ये सब इससे राज़ी हो जाते हैं इस एक पीज्ज़े से सो तो ये इसका एक प्लस पॉइंट तो ये है पर बाकी इसमें ये मसला है कि भाई चार पिज़्ज़े वाली मेहनत एक में हो रही है तो ये यहाँ पर अब चिकन फहीता रेडी हो रहा है और बाकी पिज़्ज़ा तो मैं नहीं खाती पर ये टेस्ट मैंने सारे किए थे कि कैसे बने हैं। तो मेरा इनमें सबसे ज़्यादा फेवरेट जो था ना वो चिकन फजीता था तो यहाँ पर अब हमारी जो तीसरी थी चिकन टिक्का वो भी रेडी हो गई है तो फाइनली अब काम समझो ख़त्म हो गया तकरीबन दो हमारी जो है वो राइस हो चुकी है तो इसे बेल कर अब हमने पिज़्ज़ा पैन पर लगा दिया और इसके बाद फोक से इस पोक कर लेंगे ताकि ये राइस ना हो बहुत ज़्यादा नान की तरह और फिर अब इसमें हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे और हम तो शिंगरीला की यूज़ करते हैं और उसके बाद अब थोड़ी सी चीज़ ग्रेट कर लेंगे और यहाँ पर हम मोज़रेला चीज़ यूज़ हैं तो अब यहाँ पर हम अपनी टॉपिंग्स लगा रहे हैं और मुझे तो यही है कि इसकी पहचान कैसे करेंगे कौन सा कौन सा था तो अब ये है रेगुलर हमारा जो था हमने सिंपल तैयार किया था और ये मलाई बोटी है और इसके बाद अब फहीदा की टॉपिंग कर लेंगे बस यही एक बेचारा जो है बाक़ियों से है इसकी आराम से पहचान हो जाती है और इसके बाद आखिर में अब हमारा चिकन टिक्का रह गया तो वो लगा लेंगे तो ये जी हमारी चार टॉपिंग्स लगी हैं इसके बाद इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे और फ़हीता के ऊपर हमने जो है फ़हीता की टॉपिंग करनी है और अब फ़हीता की टॉपिंग कर रहे हैं इसमें वो ग्रीन कैप्सिकम है रेड बेल पेपर है और थोड़ा सा प्याज है और चिकन टिक्का पे हमने प्याज और ऑलिव्स डाले हैं और जो सिंपल हमारी टॉपिंग हमने लास्ट में तैयार की थी उस पर सिर्फ ऑलिव्स हैं और मलाई बोटी पे हमने कुछ भी नहीं डालना उसे ऐसे ही रखेंगे और उसके बाद इसे हम बेक कर रहे हैं और अवन को हमने प्री हीट किया था 170 सेवेंटी डिग्रीज़ पर टेन मिनट्स के लिए उसके बाद इसे बेक हमने किया है 150 फफ़्टी डिग्रीज़ पर ट्वेंटी टू 25 मिनट्स के लिए आ, पर ये हर ओवन का अपना टेम्परेचर होता है तो आप अपने हिसाब से <laughs> सेट करें क्योंकि वैसे जनरल तो यही होता है कि 180 एटी डिग्रीज़ पर करना है पर इसमें वन एटी डिग्रीज़ में बहुत ज़्यादा ही हो जाता है इसलिए फिर वन फफ़्टी पे हमने रख के किया था तो ये जी हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है और इतनी फिट किस्म की शक्ल आई है इसकी और इसका नीचे से अभी कलर देखें आप फुल इवन कलर आया है गोल्डन ब्राउन सा और ये इसका एक क्लोजअप भी मैंने कहा मैं दिखा दूँ और बस अब यहाँ पर इसको कट कर रहे हैं और आज का ब्लॉग इतना ही था उम्मीद आपको पसंद आया होगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अल्लाह हाफ़िज़